गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। तो कैसे हो भाई प्रेरक के चीतों सर? आज प्रेरक सर की जगह पे सीधा मैं ही ढबक करके आ गई हूँ। 9:30 बज रहे हैं सुबह के इस टाइम पे। प्रेरक सर का ऑफिस जाने का टाइम होता है, लेकिन जी नहीं, आज तो प्रेरक सर ने ऑफिस में गुटली मार दी है। प्रेरक सर अपने दोस्तों के साथ 11-12 बजे जैसे निकल रहे हैं एक छोटी सी बॉयज लोगों की ट्रिप के लिए। तो अपने भाई अकेले घर पे, मतलब अकेले मतलब मम्मी पापा सब है लेकिन प्रेरक नहीं है। वो आज रात नाइट स्टे करके कल सुबह या फिर कल रात को वापस आएंगे। तो अपने फिर इस रूम में अकेले, जैसे मैं अहमदाबाद जाती हूँ और प्रेरक से रूम में कब्जा करके अकेले सुकून से सोते हैं, बस सेम वैसा ही सीनेरियो कुछ बन रहा है कि प्रेरक सर 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और ये रूम पे सिर्फ मेरा राज। जैसे रूम पे राज तो मेरा ही चलता है, लेकिन 2 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा राज। ये बेड पे मेरा अधिकार होगा, सब पे मेरा अधिकार होगा। तो अभी तो आज प्रेरक सर ने मेरी जगह ले ली है। वो नीचे चले गए जल्दी जल्दी, माना कि वो सिर्फ फ्रेश हुए, ब्रश नहीं किया है उन्होंने, ऐसे ही नीचे चले गए। मम्मी से कुछ काम था तो वो काम निपटाने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है चलो आप नीचे जाओ, मेरे को आज आपका लंच ब्रंच बनाना नहीं है, तो मैं नहा धो के आराम से आती हूँ। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है सुबह सुबह नहा के ही नीचे उतरो, ताकि दूसरी बार ऊपर आना ही ना पड़े यार। सीढ़ियां चढ़ उतर करने में ना फिर ऐसा हो जाता है। अभी जाते नीचे देखते हैं प्रेरक सर क्या खिचड़ी पका रहा है मम्मी के साथ, और वो भी मेरी गैर हाजिरी में। किचन में तो कोई दिख नहीं रहा है, आशु अपना रूम लॉक करके सो रही है, और हॉल में भी कोई नहीं दिख रहा है। तो प्रेरक मम्मी पापा सब कहाँ गए? आशु तो अंदर है, कुछ तो गड़बड़ है दया। 10 बज रहे है और ये पता नहीं कहाँ से टपक गया, गया था कहाँ, रूम में नहीं था, हॉल में नहीं था, किचन में नहीं था। मैं तो बेडशीट हूँ कि रूम में रहूंगा, और नहा के नीचे आ गया, मतलब मैं नीचे आई तब तू ऊपर रूम में गया था। मैं तो सोफा सेट हूँ कि हॉल में रहूंगा, मैं तो क्या क्रॉकरी हूँ कि किचन में रहूंगा। बकवास मत, सींग तो सींचे, सींग हमें त्या जाए, बराबर सी पंडारी पर हस्तो हसे। अरे जा रे भाई, तो जा कहाँ रहा है? फोकस हट गया, हटा तू तेरा हाथ अपने पे, फोकस लेना हम बात थोड़ी ना है। टपोरी की पकोरी की भाई, ये ना थोड़ा सेपरेट फाइल है, ये देखो, ये थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये थोड़ा कॉन्फिडेंटल फाइल है, इसके लिए नहीं दिखा सकता आप लोगों को, बट इसी के काम से गया था, मतलब मम्मी के रूम में गया था ये फाइल लेके। अभी मेरे को काम पे जाना है, काम पे जाना है, ये फाइल के काम पे जाना है, बराबर ना? ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, कितने जूने जमाने की है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है वो। रुचा का और आशु का भाई कुछ नहीं हो सकता, मैंने बताया कि मेरे को इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना था यार, बैंक से भी बड़ा काम था। पर अभी बोल रहे हैं प्रेरक आज थोड़ा तू घर पर है, तो बोले हमको आज आलू पूरी खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो आलू पूरी ले आ। बोला यार सीरियसली रुचा? बोले हाँ ले आ। ठीक है भाई, तो चलो अभी घर का ताला भी किसी ने खोला नहीं है, पहले ताला वाला खोलता हूँ, एक्टिवा निकालता हूँ, एक्टिवा लेके ही जाना है मेरे को, क्योंकि सिटी में जाना है ना तो ट्रैफिक बहुत होगा, पहले ये पटा लूँ मैं। लेके तो आ गया, तो पवन बोला भैया मेरे लिए भी ले आना, तो लो पवन आपकी आलू पूरी है ना, खाओ। और आज छुट्टी है स्कूल पे, तो कितने बजे अभी जाने का है? चलो सही है, जाओ स्कूल जाओ। बाकी ये रही अपनी आलू पूरी, ले लेते हैं, चलते हैं ऊपर रुचा को और उनके साथ बैठ के फिर खा लेते हैं, एंड फिर मैं बकता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार वो जो है ना, और मेरे को टाइम से वो पटाना क्यों है, क्योंकि भाई फिर कल के व्लॉग में अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो पता होगा कि 12 बजे मेरे को एक ट्रिप पे निकलना है। प्रेरक सर की बैग तैयार है और गोगल्स वोगल्स के साथ हमारा प्रेरक भी, मतलब मेरा प्रेरक रेडी है।
नहीं भाई, प्रेरक तो आप सबका है, लेकिन रुचा का हस्बैंड है, आप सबका भाई है। किसी का भाई किसी की जान। yeah! देखो बंके ने तो आजा ना, वो क्या बोलते, ड्रायर ड्रायर से बाल सेट कर, बॉयज ट्रिप पे जा रहे हो, गर्ल्स नहीं आ रही है तो क्यों इतना तैयार होके जा रहे हो? भाई देखो, पता है कि अभी तैयार होना है, बाद में वहां जाके तो हाल बेहाल ही होना है। क्यों, क्या करने वाले हो? धमाल मस्ती भाई, दोस्तों के साथ की धमाल मस्ती अलग ही होती है। देख रहे हो भाई उत्साह। और बता तो दे, ओ ओ ओ, ओ इधर आ, कहाँ जा रहा है वो तो बता दे अभी। तो भाई हम लोगों ने और क्यों जा रहा है वो भी बता, डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे दमन, जा रहे हैं बॉयज ट्रिप पे अकेले। और क्यों, मतलब काइंड ऑफ बैचलर पार्टी है ये, एक फ्रेंड की अभी शादी है नेक्स्ट मंथ मार्च महीने में, तो वो बैचलर्स दे रहा है, तो भाई हम दोस्तों की भी तो इतनी तो जिम्मेदारी होती है ना कि उसकी बैचलर्स में चार चांद लगा दे। चांद लगाने जा रहे हो? देखो सितारे तो हम है ही, और चांद वहां पे जाके ढूंढ लेंगे। यार ये लड़का इतनी बकवास करता है, ये रेडी और मैं रेडी। आज मैंने जूस नहीं पिया है तो मैं अभी नीचे जाके जूस पीऊंगी। प्रेरक सर को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, और कल से ये, मतलब आज रात के लिए ये पूरा बेड सिर्फ और सिर्फ मेरी निगरानी में। अब मैं नया शूज निकालूंगा। हाँ निकाल, ऊपर डाले उसने शूज जो जूडियो से लिए ना, उसने लेने गए थे चड्डा, लेकिन लेके आए शूज और चड्डा दोनों। इधर आ तो, हाँ देखो अभी टैग वैग कुछ निकाला नहीं है भाई। 12:30 बज रहे, प्रेरक सर तो चले गए उनके दोस्तों के साथ। अभी मैं ये आशु है ना, कल ये 5 रुपए की फ्रूटी लाई थी, उसने बोला कितना प्यारा सा पैक है ना, मैंने बोला हाँ यार सही में बहुत प्यारा सा है, तो अभी ये पियेंगे अपने। इसके साथ इतनी छोटी सी स्ट्रॉ आई है, हाँ चली जाएगी, और साथ में जेठिया चालू है। 6:45 बज रहे और मैं चाय नाश्ता कर रही हूँ और आशु सिर्फ नाश्ता कर रही है, और साथ साथ में हम लोग जेठालाल देख रहे हैं। बाकी इतने बजे प्रेरक सर की तो पार्टी वार्टी सब चालू हो गई होगी, और हमारी पार्टी में तो ये है भाई, आज प्रेरक घर पे नहीं है तो खाने में ना कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसीलिए आज हम लोगों ने अप्पम बना दिए। इसको अहमदाबाद में इदड़ा अप्पम, आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हो। तो ये मम्मी आज ही लेके आए हैं ये वाली जो बोलते हो आप अप्पम की ट्रे, वो तो मैंने बोला चलो आज ही ट्राई करते हैं अपने हल्का फुल्का सा नाश्ता, और इसके साथ बना दिए मम्मी ने ये वाली चटनी भी। भाई ये स्पेशल अप्पम की प्लेट है, लेकिन इसमें झल्ली नहीं रही, तो मम्मी ने ना जुगाड़ कर दिया। देखो ये तवी पे ऐसे छोटे छोटे से बॉल बना दिए, ये भी आप हैक यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन हमारे पास, हमारे घर में खाने वाले लोग ज़्यादा है, और आज डिनर में सिर्फ और सिर्फ यही बनाए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं तो बनाते बनाते खाती क्योंकि ये गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, तो ये जुगाड़ कर दिया। 10:50 बज रहे और मैं आ गई हूँ रूम में, मैं अकेले ही हुआ क्योंकि प्रेरक सर तो दम्मड़ आज स्टे करने वाले हैं, कल शाम को 6 या 7 बजे वो आएंगे। मैंने बोला ठीक है चलो भाई अभी ऊपर आ गई हूँ, रोज इतने टाइम में मैं ऊपर आ जाती हूँ, फ्रेशन अप होते हैं मैं और प्रेरक, फिर लूडो खेलते हैं, थोड़ी देर रील स्क्रॉल करते हैं और 11 बजे सो जाते हैं, तो आज मैं अकेली थोड़ी देर रील स्क्रॉल करूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि आज कुछ करना है नहीं, प्रेरक सर भी है नहीं लवारा करने के लिए। मेरे को आज फील हुआ मैं अहमदाबाद जाती हूँ ना, तब प्रेरक को कैसा फील होता होगा रूम में अकेले अकेले आते, साला कोई बोलने वाला ही नहीं है। हाँ शादी से पहले हम लोग अकेले ही सोते थे, वो अपने रूम में अकेला, मैं वहां पे अहमदाबाद मेरे रूम में अकेले सोती थी, लेकिन शादी के बाद 2 साल से आदत है कि भाई रात को एटलीस्ट आके दो जन एक दूसरे के साथ बात करे, ये करे वो करे, तो मेरे को प्रेरक आज तेरा फील हुआ कि तेरे को कैसा लगता होगा जब मैं एक एक दो दो वीक अहमदाबाद रुकती हूँ और तू अकेला रूम में होता है, तब आई कैन फील ब्रो। तो कोई नहीं, अभी सीधा कल आपको प्रेरक सर मिलेंगे, तब तक आप मेरे को ही जिलो 2 दिन पूरे। तो आज का ये व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, अगर आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।